हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेनी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबकी क्वेरीज थी कि सर मुझे स्टैट प्रो मैंने सीख रखा है, बहुत से जगहों पे मैंने सीखा है, मैं उस स्टैट प्रो को स्ट्रांग कैसे बनाऊं। मतलब अगर आपने सिलेबस को सीख रखा है उसके बाद भी आपके पास वो अंदर से नहीं आ रहा कि नहीं ये प्रॉपर मुझे क्लियर ही हो गया है, तो किस तरीके से क्लियर कर सकते हो, मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद बताना कि हाँ सर मुझे फंडा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर स्टैट प्रो आपने सीख रखा है मतलब आपको फंडामेंटल्स तो सारे आ रहे हैं, अब उन फंडामेंटल में कुछ चीजें ऐड कर दो जिससे कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहला आपको क्लियर करना चाहिए उसमें कि लोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये वीडियो उनके लिए ज्यादा लाभदायक हो सकता है जिनको थोड़ा बहुत स्टैट प्रो आता है। लोड जो हमने कैलकुलेट किया उसको मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर फोकस कर डालो। इसके बाद हम जैसे विंड लोड डालें, अब विंड लोड है तो विंड लोड कैसे डालते हैं, विंड लोड का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वीवी K1 K2 K3। अब ये वीवी क्या होता है, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है, इसको एक बार खुद से सीख लो कि हमको कैलकुलेट कैसे करना है। और कैलकुलेट करने के बाद अब जैसे सेस्मिक लोड है, अब सेस्मिक लोड के लिए सेस्मिक जोन कितने हैं और जोन का मतलब क्या है, कौन से जोन में रिस्क ज्यादा होता है, कौन से जोन में रिस्क कम होता है। उसके बाद हमें यह देखना है कि किसी लाइव लोड है तो लाइव लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइव लोड का क्या फंडा क्या होता है, कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। ये अगर लोड्स आपके क्लियर हो गए, मतलब सेस्मिक, विंड, डेड लोड, लाइव लोड, ये लोड्स क्लियर हो गए, मतलब इनका बेसिस क्लियर हो गया, तो समझो आपका स्टैट प्रो का काफी कुछ आपने कवर कर लिया। इसके बाद और अच्छे से अगर स्टैट प्रो को आपको क्लियर करना है तो आप सीयर वॉल के ऊपर जाओ। सीयर वॉल को किस तरीके से डिजाइन करें ये तो बेसिक फंडामेंटल है। सीयर वॉल की थोड़ी सी बेसिक्स, इसके टाइप्स, सिक्स टाइप्स है, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है टाइप्स ऑफ सीयर वॉल, आप सर्च करके पूरा पढ़ डालना उसमें। सीयर वॉल को बेसिक्स उसका स्ट्रॉन्ग करो, सीयर वॉल का बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसको स्टैट प्रो किस तरीके से करते हो उसके स्टेप्स को एकदम रीड कर जाओ कि अच्छा दो तीन बार करोगे तो यहाँ पे ब्रेन हो जाएगा, 10 बार किया तो इधर सेट ऑलवेज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीयर वॉल को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। अब सीयर वॉल के बाद आपको क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको फाउंडेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए। कई लोग फाउंडेशन तो पढ़ते हैं, कौन कौन सा उसमें कुछ फुटिंग्स है ना, जैसे कि पाइल का फुटिंग है, कंबाइंड है, आइसोलेटेड है और मैट है, ये चारों फुटिंग्स तो है, बट आप इन चारों फुटिंग्स के स्टेप भी जानते हो स्टार्ट प्रो किस तरीके से करना है, क्या इसके फंडामेंटल जानते हो क्या, फंडामेंटल इन द सेंस कि पाइल कैप कहां पे यूज होता है, आइसोलेटेड कहां पे यूज होता है, उसके बाद कंबाइंड कहां पे यूज होता है, ये सारे मैट फाउंडेशन कहां पे यूज होता है, पाइल कब यूज करेंगे, जब सॉइल पेरिकेसिटी 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के नीचे होगी तब हम लोग पाइल यूज करेंगे, कौन सी फुटिंग कहां और क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। इसके बाद सीयर फोर्स यहां पे कॉर्नर पे कितना आएगा और इस कॉर्नर पे कैसे आएगा, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे निगेटिव, ऐसा क्यों, यहां पे ज्यादा आ रहा है और यहां पे कम क्यों आ रहा है, कैसे फिक्स जो सपोर्ट है यहां पे कैसे मोमेंट को जीरो करेंगे, अच्छा रिलीज करते हैं, ओके। तो ये फंडामेंटल है स्टैट प्रो का कि हमको ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको सर्च करो, एक एक टॉपिक सर्च करके प्रॉपर इसको रिलीज कैसे करना है लोड को इसको पूरा सीख डालो। इसके बाद सीयर फोर्स किस तरीके से देखना है, एक्सियल फोर्स किस तरीके से देखना है, आज ही मैं एक क्लास ले रहा था उसमें मैंने डिस्कस किया एक्सियल फोर्स क्या होता है। एक्सियल फोर्स को अगर मैं दूसरे और सामान्य लैंग्वेज में बोलूं, एक्सियल फोर्स अगर आपके सिर पर कोई सामान रख दिया जाए तो आपके पैर पे क्या लोड आएगा, पैर आपका पेन करेगा, क्या लोड आएगा, वही जो लोड है दैट इज योर एक्सियल लोड। इसी तरीके से कॉलम में सबसे ज्यादा जो एक्सियल लोड होता है वो नीचे होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका फायदे क्या है, तो मैंने उसका एक देसी एग्जांपल भी बताया था कि एक्सियल लोड अगर है तो एक्सियल लोड कुछ इस तरीके से होता है कि वो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, अब उसके लिए सब स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो जितना ज्यादा सुपर स्ट्रक्चर का लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही सब स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, कैसे हम लोग अपने घर में स्लीपर्स पहनते हैं, अब जो स्लीपर्स पहनते हैं तो हमारे लोड के अकॉर्डिंग ही हमारी स्लीपर डिजाइन की जाती है। अगर सोचो कि 2 साल के बच्चे का स्लीपर अगर हम पहन ले तो क्या होगा, टूट जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सियल लोड ज्यादा है और उसका जो कैपेसिटी है उसके लिए डिजाइन किया गया वो कम है। इसी तरीके से बट अगर हम लोग 10 नंबर 11 नंबर 9 नंबर 8 नंबर जितने नंबर के स्लीपर्स पहनते हैं वो नहीं ब्रेक होते हैं, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि हमारे एक्सियल फोर्स के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया है। सामान्य लैंग्वेज में अगर दूसरा एग्जांपल लूं तो कोई छोटे बच्चों की साइकिल है,
अब छोटे बच्चों की साइकिल और बड़े बच्चों की साइकिल में डिफरेंस है क्यों? बड़े बच्चों की साइकिल उस एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन की गई है और छोटे बच्चों का उस एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन की गई है। तो ये एक्सियल फोर्स क्या होता है और कहां पे यूज होता है इसको प्रॉपर समझो। शियर फोर्स किस तरीके से निकालते हैं मैनुअली और उसके साथ सॉफ्टवेयर पे, ये आपको इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको समझना पड़ेगा सैगिंग क्या होता है और हॉगिंग क्या होता है, इसको कम कैसे कर सकते हैं, सैगिंग को कैसे हॉगिंग को कम कर सकते हैं, कब ये फेल करेगा, मतलब कितना ज्यादा हो गया तो फेल करेगा, इसको समझना है। आपने स्टैट ब्रो सीख रखा है सैगिंग और हॉगिंग निकालना आपको आता है, बट ये पास कर रहा है कि फेल कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद डिफ्लेक्शन, आपका डिफ्लेक्शन आया है 10 mm या मान लो 20 mm, ये फेल कर रहा है कि पास कर रहा है कौन बताएगा, इसको हमको खुद से चेक करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, स्पैन बाई 250 होता है, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि स्पैन बाई 250 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको अगर हमने क्लियर किया तो हमारा काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो स्लैब के बारे में बात करूंगा। स्लैब वन वे और टू वे, स्लैब का डिफरेंस पता है क्या आपको? वन वे में कैसे फ्लो लोड लगाना है, टू वे में कैसे फ्लो लोड लगाना है पता है क्या? अगर नहीं पता तो इसको क्लियर करो कि स्लैब में लोड किस तरीके से लगाते हैं। बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, फटाफट सर्च करो, मेरे खुद के वीडियोस हैं उनको सर्च करो, कैसे वन वे और टू वे में क्या डिफरेंस रहता है उसको देखो। इसके बाद जब स्टेयरकेस डिजाइन करते हैं, स्टेयरकेस किस तरीके से डिजाइन करते हैं, उसमें बॉक्सेस क्यों करते हैं, इसका दिमाग लगाया क्या? क्योंकि वो FEM है। ये FEM क्या होता है? फाइनाइट एलिमेंट मेथड। इस मेथड के थ्रू डिजाइन किया जाता है प्रॉपर स्टेयरकेस को और स्लैब को। इसके अंदर डिजाइन नहीं होती है, डिजाइन की जगह पे इसमें एनालिसिस होती है। एनालिसिस में क्या करते हैं? एनालिसिस में हम लोड लगा के देखते हैं कि कहां पे ज्यादा प्रेशर आएगा और कहां पे कम प्रेशर आएगा। अच्छा, कहां पे ज्यादा सिक्योरिटी देने की जरूरत है, कहां पे कम सिक्योरिटी देने की जरूरत है, ये हम चेक करते हैं स्टैट प्रो के अंदर। इसके अंदर डिजाइन नहीं करते कि कितने में हमको बार डालना है। इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि हम कोई अगर स्टेयरकेस ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें मूविंग लोड किस तरीके से काम करता है। मूविंग लोड लगा के देखो कि अच्छा यहाँ पे व्हीकल, अगर व्हीकल आ रही है तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, यहाँ पे व्हीकल जा रही है तो उसकी डिफ्लेक्शन कैसे होंगे, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। अब देखो, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स है उसके लिए लोड कॉम्बिनेशन किस तरीके से जनरेट करोगे? एक तो है ऑटो लोड जनरेशन, आपने सीखा है, एक है मैनुअल लोड जनरेशन। आपको दोनों आना चाहिए कि ऑटो कैसे करते हो और मैनुअल कैसे करते हो और क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कि क्यों करते हैं। इसके लिए IS कोड कौन सा यूज करते हैं वो जानना पड़ेगा। डक्टाइल डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बिल्डिंग आपको डक्टाइल डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी बिल्डिंग कभी भी सेफ नहीं हो सकती। अगर G+3 जा रही है तो आपको डक्टाइल डिटेलिंग करना ही करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आप स्टैट प्रो के अंदर इजली कर सकते हो, सिस्मिक एनालिसिस, विंड एनालिसिस, बट मैनुअली पे फोकस करना। मैंने खुद जो भी मैं पढ़ाता हूं मैं हमेशा मैनुअल कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। सो प्लीज, अगर आपने सीखा है तो ये सारे टॉपिक्स को अपग्रेड कर डालो, अच्छे से अपग्रेड कर डालो। अगर आपको टॉपिक्स का सिलेबस जानना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैसेज करके मेरे से सिलेबस ले लो कि सर सिलेबस क्या होता है स्टैंडर्ड स्टैट प्रो का। ओके, अगर सिलेबस देख लिया अब तुम देखो कि अच्छा मुझे क्या क्या आता और क्या क्या मुझे सीखना चाहिए, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या सीखना है और क्या मैं सीख चुका हूं। इस चीज को बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच, इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टैट प्रो के बारे में बताया कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। और थैंक यू क्यों बोला मैंने, इसका रीजन है कि मैंने कल पहली बार आप लोगों के सामने बताया कि अगर आपको मेरे से पढ़ने का इंटरेस्ट है तो फटाफट मेरे से कांटेक्ट करिएगा। और एक साथ लगभग 13 मेंबर्स सेलेक्ट हो गए, बट मेरा रूल है कि मैं 10 मेंबर्स से ज्यादा वन टाइम पे सेलेक्ट नहीं करता हूं, तो मैंने सिर्फ 10 को रखा है, 3 मेंबर्स अभी बच गए हैं, उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे क्वालिटी को भी क्रेडिट शायद जाता है, क्योंकि अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूं इसीलिए एक दिन में कल मैंने कमेंट किया और आज आपके थ्रू 13 मेंबर्स हमारे पास सेलेक्ट हो चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं, जिनमें से मैंने 10 को सेलेक्ट किया है। और 10 में भी जो अभी जो मतलब कि बहुत ज्यादा जिनकी जरूरत थी, कि उनको जॉब की जरूरत थी एंड ऑल, उन्हीं को मैंने सेलेक्ट करने की कोशिश किया है। और आगे देखते हैं, आगे इस तरीके से बहुत से आपके पेयर्स मिलते जाएंगे। आपको किसी डाटा में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप करना कि सर मैं ये कर रहा हूं, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैं थोड़ा टाइम तो जरूर लूंगा बट रिप्लाई जरूर करता हूं हर किसी को, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कई लोगों ने कल मैंने देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टेटस पे अपने लगाए हुए थे मेरे वीडियो के लिंक्स। सो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी लगा लीजिएगा, कुछ नहीं जाता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस तो लगाते ही है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का एक स्टेटस, ये भी, ये कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है बट एक वीडियो है जो किसी का लाइफ सुधार सकती है और किसी के लाइफ में जो चीज उन्होंने पढ़ा है उसको अपग्रेड कर सकता है। नॉलेज को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अभी छुट्टियां चल रही है, आपके पास टाइम है, जितने टॉपिक्स मैंने बोले हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, नहीं तो अगर लिस्ट नहीं आपके पास मुझे व्हाट्सएप करो और मेरे से लिस्ट ले लो, और लिस्ट लेने के बाद देखो कि तुम्हें कौन कौन सा तैयार है और कौन कौन सा तैयार करना, अच्छे से तैयार करके रखो। जैसे ही ये अपना कोरोना का टाइम खत्म
होता है, जो गंदा टाइम चल रहा है अभी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जैसे ही खत्म होता है इसके बाद तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर नॉलेज है तो तुम्हें जॉब मिलेगी। ऐसे मैंने एक नहीं कम से कम हजारों लड़कों को देखा है जिसके पास नॉलेज है, वो आज अच्छे जगह पे सेटल है। तो आप भी हो जाओगे, निराश मत हो कि यार इतने लोग हैं, इतने लोग से क्या मतलब है, तुमको तो एक सीट चाहिए ना, एक सीट तुमको मिल जाएगी अगर तुम्हारे पास सबसे अलग मतलब यूनिक जो अपना कॉन्सेप्ट है, आप अगर यूनिक हो तो आपको मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ मैनुअल पे। क्यों? क्योंकि जब किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो पहले वो देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और इस वीडियो के थ्रू आपको जितने टॉपिक्स मैंने दिए हैं, ये टॉपिक्स अगर क्लियर कर लिया, स्टैट प्रो का इंटरव्यू कोई भी आपका रोक नहीं सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। रेविट का भी वीडियो आने वाला है, थोड़ा सा टाइम है, मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाया, इसकी वजह से रेविट का वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। एक्चुअली मेरे घर पे लाइट का थोड़ा सा समस्या था, अभी अभी लाइट आई तो मैंने तुरंत वीडियो बना के आप तक प्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।